गुड आफ्टरनून बच्चों, हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं मैप्स। तो कल हमने मैप्स के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स के मैप होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। सबसे पहला कंपोनेंट्स क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस। मैप्स और ड्राइंग्स, मैप्स क्या होते हैं बच्चों? जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं वो बोलते हैं, जो मैप्स क्या है वो ड्राइंग्स है। विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। जो क्या करता है, जो ये हमारी पूरी दुनिया है या इसका कोई भी हिस्सा है उसको क्या करता है, एक पेपर पे क्या करता है, फिट करता है मैप। और वी कैन से मैप्स आर ड्राइंग टू रिड्यूस स्केल्स। अगर हम दूसरी भाषा में बोलें कि हम ये कह सकते हैं कि मैप्स किस क्या करते हैं, जो स्केल्स है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। जो लेकिन जो ये रिडक्शन है ये बहुत ही ध्यान से उन्होंने किया होता है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। जिसकी वजह से क्या है कि जो दो जगहों की डिस्टेंस क्या होगी वो रियल होगी। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये तभी पॉसिबल है जब एक स्मॉल डिस्टेंस जो पेपर पर है वो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम एक्चुअली सतह पर, जमीनी सतह पर देखेंगे तो वो क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस होता है। देयरफॉर इसीलिए स्केल इज चूजन फ्रॉम दिस फॉर दिस पर्पज। इसलिए एक स्केल को यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। अब स्केल क्या है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप्स। ये एक रेशियो होता है, जो एक एक्चुअल डिस्टेंस होती है और जो हम डिस्टेंस कहाँ पर शो करते हैं मैप पे करते हैं, ये क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्केल। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। अगर आपके स्कूल और आपके घर के बीच डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, इफ़ यू शोज दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर। अगर आप इस डिस्टेंस 10 किलोमीटर को कितना दिखाओगे, 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, मैप के ऊपर, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। कि जो 1 सेंटीमीटर जो मैप पर होगा एक्चुअली क्या है, वो 5 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम मैप पे दिखाएंगे तो मैप पे 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, वो 5 किलोमीटर। उसी तरीके से 2 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, जो जमीनी सतह पर है। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो आपकी ड्राइंग की स्केल है वो 1 सेंटीमीटर कितना शो करता है, वो 5 किलोमीटर। द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इसलिए क्या बोलता है कि स्केल बहुत ही ज़रूरी है किसी भी मैप में। इफ़ यू नो द स्केल, अगर आप स्केल को जानते हो, अगर आप स्केल के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। आपको क्या, आप दो जो भी दो कोई भी दो जगह होंगी मैप पे, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे, वो आप निकाल पाओगे जब आप स्केल को अच्छी तरीके से जानोगे स्केल के बारे में। वेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन ए पेपर। जब बड़े एरिया या तो कॉन्टिनेंट्स या द्वीप या कंट्रीज या कोई मुल्क अगर आपको इस पे दिखाना है पेपर पे, देन वी यूज ए स्मॉल स्केल। हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल। फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 5 किलोमीटर। कि जो अगर हमको बड़ी कंट्रीज दिखाने हैं मैप के ऊपर या पेपर के ऊपर, तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। स्मॉल स्केल यूज़, मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या किया, अगर कोई, अगर कहीं पर डिस्टेंस 5 किलोमीटर है ग्राउंड पे, तो स्केल पे क्या दिखाएगा, मैप पे क्या दिखाएगा, वो 5 सेंटीमीटर। इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैप। अगर आप देखोगे बच्चों तो दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। ये एरो क्या शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ लाइन। वेन यू नो द नॉर्थ, अगर आपको नॉर्थ के बारे में पता लग जाएगा, यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन, आप दूसरी डायरेक्शन निकाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। देयर आर फोर मेजर डायरेक्शन। चार बड़े मेजर डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इनको क्या बोला जाता है, कार्डिनल पॉइंट्स। अदर फोर इंटरमीडिएट, जो इन डायरेक्शंस के बीच में डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में क्या होती है, जैसे ये नॉर्थ है तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी इंटरमीडिएट डायरेक्शन है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। उसी तरीके से
साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सा है? साउथ ईस्ट। इसी तरीके से वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सा है? साउथ वेस्ट। इसी तरीके से वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या है? अदर चार इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, अगर हमको कोई भी प्लेस ढूंढनी है तो इसकी मदद से हम अच्छी तरीके से ढूंढ पाएंगे। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1। 4.1 इसमें बोल रहा है कि इसमें क्या करो, आप डायरेक्शन ढूंढो। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन। द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, जो विकास के घर के घर से जो प्ले ग्राउंड है उसको। द डायरेक्शन ऑफ स्कूल्स फ्रॉम शॉप्स, जो डायरेक्शन है स्कूल्स है शॉप्स की तरफ से जो डायरेक्शन है वो ढूंढनी है इसमें। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। एक कंपास होता है बच्चों डिवाइस जिसकी वजह से क्या हम डायरेक्शन ढूंढते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, मेन डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो इसकी मैग्नेटिक नीडल होती है, नीडल जो इसकी मैग्नेट वाला सुई होती है, वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। फिगर 4.2, जैसे ये फिगर 4.2 है बच्चों, ये क्या दिखाता है? ये क्या है? वो कंपास है। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी सुई होती है, जो इसकी मैग्नेटिक सुई होती है, वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है। तो आज हमने इसके दो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े बच्चों मैप्स के। तो कल के चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके तीसरा कंपोनेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।